जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बालापुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। बालापुर से संबंधित क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर सामने आई है, क्या अपडेट है, या इस कंपनी कैसी है और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबी अवधि में पैसा बनने के कोई चांसेज रहेंगे या नहीं रहेंगे, साथ में जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट पहले से किए हुआ है उनको अभी क्या करना चाहिए, सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बस आप लास्ट तक बने रहिए। बालापुर इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो कुछ दिनों से इसमें तेज़ी देखने को मिली है और उस तेज़ी के बदौलत काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें या नहीं कर दें, इसी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी में कभी भी तेजी देखकर आप पैसा मत लगाइए, बर्बाद होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अभी देखते हैं इस कंपनी में, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान आप देखेंगे तो ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है 0.68 पैसा पर क्लोजिंग दिया है, तकरीबन 5% के आसपास, मतलब बढ़ोतरी के साथ लगातार अपर सर्किट में ही रहा। कल के दिन ये स्टॉक देखेंगे तो पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 8.25% के आसपास गिरा भी है। पिछले एक मंथ में देखें तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 15.5% के आसपास रिटर्न दिया है। यहाँ से तो मतलब तेजी जो देखने को मिली, एक मोमेंट ऊपर चला गया और उसके बाद आकर फिर प्राइस देखेंगे जो एक लेवल पर लगभग ठहर सा गया है, हालांकि नीचे नहीं आया। पिछले यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक एक मतलब रेंज बाउंड में ये स्टॉक घूमते हुए आपको नजर आ रहा है। और पिछले सिक्स मंथ की बात करें तो सिक्स मंथ में आप देख सकते हैं स्टॉक तकरीबन 35% के आसपास टूटा है और लंबी अवधि में तकरीबन देखेंगे तो इसका शेयर प्राइस नीचे की तरफ ही स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं नीचे आते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप बालापुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के काम और धाम को अच्छे से समझिए। सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी इंगेज्ड है, किस चीज़ में इंगेज्ड है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, यानी कि ये जो कंपनी है कुछ चीज़ें बनाती है उसको बेचती है, क्या बनाती है और क्या बेचती है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कंपनी राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर बनाती है और उसको सेल करती है। आपको पता है आज के डिजिटल युग में ऐसा नहीं है कि जो पेपर्स हैं या जो कॉपी है उसको लोग नहीं खरीद रहे, पेपर और कॉपी के जरूरत भी आज के दिन काफ़ी पड़ते हैं और ये बिजनेस अभी भारत में चलेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा। यानी कि जो कंपनी बिजनेस करती है, जो कंपनी का काम है, उसका फ्यूचर है भारत में। तो काम के हिसाब से तो कंपनी ओके है। फंडामेंटल की बात करते हैं, देखिए कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे जो तकरीबन 84 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी छोटी कंपनी है तो बात सभी जानते हैं। शेयर प्राइस भी इसके बुक वैल्यू से अधिक है, ये बढ़िया बात है, लेकिन जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ये माइनस में, ये कतई ठीक नहीं है। यदि देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपने जो शेयर बाई किया उस पर कितना रिटर्न मिलेगा साल भर में, वही माइनस में है तो आपको क्या ही इस स्टॉक में काम आ पाएंगे, सबसे मेन चीज़ यही होता है, तो ये यहाँ पर निगेटिव है। अब चार्ट देखते हैं, एक साल का चार्ट मैंने आपके लिए ओपन किया, तो एक साल का चार्ट पर भी आप देख पाएंगे स्पष्ट रूप से शेयर प्राइस लगातार नीचे की तरफ ही आया है। अब देखिए अभी इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि अभी स्टॉक 0.6 पैसा से लेकर 0.80 पैसा इसी के बीच में पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है, आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा इसका शेयर प्राइस, हालांकि कई बार ऊपर आने के प्रयास करता है लेकिन ऊपर नहीं निकल पाता, जब तक ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें तेजी नहीं आएगा। यदि इसके बाद भी ऊपर नहीं उठता है तो यहाँ से प्राइस और नीचे ही जाएगा। अब देखिए ये जो है ना एरिया, ये 80 पैसे के लिए इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार इसमें देखेंगे तो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो इसलिए इसको ब्रेक करने में इसको थोड़ा समय लग सकता है और इसके लिए फंडामेंटल कंपनी का मजबूत हो जाए तब काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत तेज़ी के साथ इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके प्राइस ऊपर आ जाएगा। और एक बार प्राइस 80 पैसा के ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है 1.5 रुपये के आसपास ही आपको आते हुए दिखेगा ही दिखेगा। कंपनी का फंडामेंटल मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वह भी कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे हैं। अभी इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं, क्वार्टर फोर के नंबर में देखेंगे तो जो कंपनी का सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे, पिछले 3 क्वार्टर से तो लगता है डिक्लाइन हुआ है, यानी कि सेल्स में कमी आई है। सेल्स में कमी आने की वजह से देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, ये रहा नेट प्रॉफिट और ये रहा पिछले तीन क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट भी तो है नहीं, लॉस में, और लॉस बढ़ते जा रहे हैं। लॉस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी है, कि यदि मैं बैलेंस शीट दिखाऊं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कंपनी के पास जो डेब्ट है जिसको बोरो कहते हैं, तो वो बोरो आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में हालांकि कर्जे कम होते हुए जरूर दिखे हैं, तो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास यदि कुछ रुपये आ भी रहे हैं तो कंपनी अपने डेब्ट को चुकाने में चली जा रही है, हालांकि कंपनी के पास रिजर्व कुछ नहीं है, रिजर्व देखें माइनस में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार फंडामेंटल जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक इसके शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं आएगी, जब तक शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं आएगी इस कंपनी का जो अभी प्राइस है जो 80 पैसा का इसके लिए मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 80 पैसा, उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर नहीं आएगा। और जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा प्राइस में असली तेज़ी आती हुई हम लोग नहीं कहेंगे, इसके ऊपर आएगा तो प्राइस 1.5 रुपये तक आपको जाते हुए इजीली दिख सकता है। लेकिन जैसे मैंने ये भी बताया कि अभी प्राइस जो 60 पैसा के आसपास चला है, 60 पैसा के नीचे चला जाता है तब आप वहाँ से बेच के निकल जाइएगा। तो बालापुर इंडस्ट्री के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इससे इस कंपनी से संबंधित कोई भी सवाल होगा या शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल होगा और आप मुझसे जुड़कर मुझसे बातें करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, तथा उसके लिए जरूरत है आपको एक बेस्ट डीमैट अकाउंट की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एमएस स्टॉक या एंजल लोन के साथ हमें फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।